लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। निमंत्रित शूरवीरों और योद्धाओं, आज यहां आप लोगों के भाग्य और शक्ति की परीक्षा होगी। मैंने प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब आप लोगों में से जो चाहे वो अपना भाग और शक्ति आजमा सकता है। विजेता राजराजेश्वर महाबली शिव भक्त लंकाधिपति रावण। की सम्मति क्या है? अपनी तो 700 पीढ़ी मिलकर जोर लगाए तो भी ये धनुष तस्मस नहीं होगा। हाँ? मुझे अपनी भूल का पता चल गया। मैंने वीरों के वेश में कायरों और बलवानों के रूप में निर्बलों को यहां बुलाकर अपनी हंसी कराई है। धनुष उठाने को कौन कहे, कोई उसे तिल भर भी हटा ना सका। आज मुझे मालूम हुआ कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब आप लोग अपने अपने घर पधारे, मेरी सीता कुंवारी रहेगी और आज से आप लोग अपने आप को शूरवीर योद्धा समझने की भूल न करें। मिथिलेश्वर, अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों? आपने श्री रामचंद्र के समुद्र जैसे विशाल पौरुष को नहीं समझा। यदि उन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिले तो वह सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं, पर्वतों को एक ही ठोकर से चूर चूर कर सकते हैं और इस धनुष को वो कमल के डंठल की तरह टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लक्ष्मण, राम, महाराज जनक बहुत निराश हो चुके हैं, धनुष तोड़कर उनका दुख दूर करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, किंतु मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं श्रीराम, तुम भी अपना भाग्य आजमाओ। रामचंद्र की जय।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम पीछे, पहले ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? आपका ही कोई दास होगा। वो दास नहीं, मेरा शत्रु है। बलिहारी है आपकी इस बुद्धि की। विश्वामित्र, ये बालक कौन है? मेरा शिष्य अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र लक्ष्मण, और ये उसका बड़ा भाई राम है। किंतु इसमें तो कोई भी लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई पड़ेंगे, आदमी क्रोध में अंधा जो हो जाता है। बालक श्रेष्ठ। विश्वामित्र, ये बालक बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, इसे मेरा स्वभाव बतला दो। वो तो आपके चरण पड़ते ही मालूम हो चुका है। तुझे शायद ये मालूम नहीं कि मैंने इसी पर्चे द्वारा 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है। तब आपका राम लक्ष्मण से पाला ना पड़ा होगा। लक्ष्मण, तू मेरे हाथों क्यों अपनी हत्या करवाना चाहता है? आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? हमें क्या छुई मुई घास समझा है? मैं तुझे निरा मूर्ख समझता हूँ। मूर्ख के मुंह लगने वाले को बुद्धिमान कोई नहीं कहता। लक्ष्मण, विप्र, ये आपकी शक्ति और पराक्रम को नहीं जानता। तो इसे अच्छी तरह समझा दो, मैं बड़ा क्रोधी और निर्दयी हूँ। तभी अपनी माँ का सिर काट लिया था, अब तेरा भी सिर काटूंगा। दुष्ट, ठहर। प्रभु, मेरा सिर काटिए, लक्ष्मण निर्दोष है, धनुष मैंने तोड़ा है। तूने तोड़ा है तो तेरा ही सिर काटूंगा। अब इस धरती पर दो राम नहीं रह सकते, राम रहेगा या परशुराम। मेरा पर्चा क्यों नहीं उठता? किसने मेरी सारी शक्ति खींच ली? राम, ये धनुष खींच कर मेरा संदेह दूर करो। बस बस बस, मेरा काम पूरा हुआ। परशुराम के राम, आपकी जय हो। अब मुझे ना ये धनुष चाहिए और ना ये पर्चा। यही तुम्हारा गुण है कह गई, जिसके लिए मैं तुम पर हरदम रिझा रहता हूँ। इस बात से आप रिझेंगे नहीं, सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। तो शीघ्र कहो महारानी। मैं राजगुरु वशिष्ठ जी से मुहूर्त पूछ कर आ रही हूँ। लड़कों का और एक एक ब्याह करने के लिए? नहीं, अपने राम को राज सिंहासन देने के लिए। कई लेकिन 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 कुछ नहीं, सारी प्रजा की इच्छा है कि राम राजा बने, मेरी भी इच्छा है कि राम राजा बने। आपको सबकी इच्छा का आदर करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि सोचने का समय नहीं, शीघ्र ही राज तिलक का प्रबंध कराइए। राजगुरु ने कहा है आज से 14 दिन बीतते 15वें दिन राम का राज तिलक किया जाए तो अयोध्या का नहीं सारे संसार का राजा बनेगा। इस तरह सारी अयोध्या में आनंदोत्सव होने लगा। आज उत्सव का 14वां दिन है। महाराज दशरथ के सन्मुख अयोध्या के राज कलाकारों ने मदन दाह नृत्य आरंभ किया। महादेव की समाधि भंग करने के लिए
कामदेव ने ऋतुराज वसंत का आह्वान किया। कामदेव की पत्नी रति भी अपने स्वामी का साथ देने आ गई। निष्फल हुए तो कामदेव ने अपना अंतिम अस्त्र मदनवाण चलाया। महादेव की समाधि भंग हुई। नेत्र खुला, उससे निकली हुई ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। दुखियारी रति शिव की शरण गई। अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रति को वरदान दिया, त्रेता युग में कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में तुझे तेरा पति मिलेगा।
लाडली राज रानी सीता ये मुकुट पहनेगी? हटाओ इसे, वो दे, नहीं नहीं ये दे दे, अरे नहीं वो वस्त्र दे दो तो ये अच्छा ना, इससे तो ये अच्छा दे दे। महारानी जी सभी एक से एक अच्छे हैं। हाँ रे सभी अच्छे हैं। बेटी तुम्हें ये सब पहनने पड़ेगा। माँ सारा कुछ मुझे ही उठाना पड़ेगा, कुछ उनको भी तो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मेनका चंचला तू मेरी बहू को अच्छी तरह से सजा, मैं अपने राम को तैयार करती हूँ। मंथरा ऐसे शुभ अवसर पर देखकर चलना चाहिए, इन्हें तो दिन में भी रतौनी होती है महारानी। चुप रहो। ऐसे शुभ अवसर पर रोती क्यों है, बोल। तुम्हारे भाग्य को रोती हूँ, भरत के भविष्य को रोती हूँ। क्या कहा? 14 दिन से देख रही हूँ, तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी पर नहीं आएगी। तू कहना क्या चाहती है? तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं। कौन बिछा रहा है? कौशल्या क्या भक्ति है घर फोड़नी, घर तो जो का त्यों रहेगा लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी। क्यों? कल से कौशल्या यहाँ सब कुछ होगी। मुझे खुशी होगी, उसका बेटा राम राजा बनेगा, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मथुरा कही कही महाराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी, उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। सच्चाई का यही तो इनाम होता है महाराज। चुप रहे। नहीं चुप नहीं रहूं क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया। महारानी राम राजा बने चाहे भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर भी जो मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हें भी सुना देना अपना कर्तव्य समझती हूँ। तूने क्या सुना है? जब मैं कल रात कौशल्या के कक्ष के पास से जा रही थी तो वो दांत पीस पीस कर कह रही थी। क्या कह रही थी? राम को राजपद पा लेने दो फिर मैं कई कई का घमंड चूर करूंगी। ये बातें तूने ही सुनी या और किसी ने? ऐसी बातें सबके सामने नहीं कही जाती। आज से पहले मैंने तुमसे ऐसी बात कभी कही थी? नहीं। तो फिर आज ही क्यों कहने लगी? कही कही महाराज और कौशल्या ने मिलकर कपट जाल बिछाया, भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज दे रहे हैं। राम को राजा बनाने के लिए महाराज से मैंने ही कहा था लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ। क्यों कौशल्या तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती है, वो जानती है तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला, इसीलिए तुमसे अधिक प्रेम करने के लिए उसने राम को सिखाया है। धन्य है कौशल्या धन्य, उसने अपने बेटे का जीवन सुखी करने के लिए कौन से उपाय नहीं, कौन कौन से छल कपट नहीं रची। और एक मात तुम जिसने अपने ही तन के बेटे के सुख में आग लगाई, अपने ही हाथों उसे दर दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की,
तुम भरत की मां नहीं, हृदयहीन हो, पापी हो, हत्यान हो। रहने दे, अब रहने दे, रहने दे। कैसे रहने दे? जिस भरत को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है, ममता भरी लोरियां दी है, सवारा है, दुलारा है, उसी भरत को भिक्षा का पात्र लेके दर दर भटकते हुए कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। उससे पहले मैं अपना सर पटक पटक कर इस पापी जीवन का अंत कर दूंगी। भरत मैंने भरत को जन्म दिया है, पर उसकी सच्ची मां तू है, तू उसके लिए प्राण दे सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब हो भी क्या सकता है? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। कैसे? मंथरा, मंथरा। आज्ञा महाराज। मजरी रानी कहाँ है? खोप भवन में। खोप भवन में? क्या हुआ उन्हें? मुझे नहीं मालूम महाराज। भवन, ये क्या? उठो। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। हाथ छुड़ा रही हो मुझसे? क्यों? आप जीवन भर मुझसे छल कपट करते आए, मेरे भोलेपन से हमेशा ही नाक उठाते रहे हैं। मालूम होता है किसी ने मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान भर दिए। कान भर दिए नहीं, कान खोल दिए हैं। ये क्या कह रही हो तुम प्रिय? प्रिय? प्रिय कहते हैं आप मुझे, और हृदय से प्यार करते हैं किसी और को। दिखावे के लिए सम्मान मेरा होता है और लाभ होता है किसी और का। बात मेरे मुंह से कहलाई जाती है और बात पूरी की जाती है किसी और की। लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी बात कौन सी पूरी नहीं की? आपने मेरे वो दोनों वर दिए। तूने मांगे ही कब थे? अब मांगती हूँ। तो दो क्यों, चार मांगो। कहीं वचन भंग किया तो? क्या कही, हम रघुवंशी हैं। इसीलिए कहती हूँ, एक बार फिर अच्छी तरह सोच लीजिए। सोच लिया? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने प्राणों से प्यारे राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज तुम जो मांगोगी वही दूंगा। मैं अपने पहले वर के बदले भरत के लिए राज मांगती हूँ। भरत के लिए राज? क्यों, घबरा गए महाराज? नहीं, मैं तो भरत को ही राज देता, किंतु राम को राज देने के लिए तुमने ही तो मुझे विवश कर दिया था। अब ये तैयारियां, ये उत्सव ऐसे होते रहने दीजिए और मेरे भरत को बुलाकर राज दीजिए, या तो अपना वचन भंग कीजिए। वचन भंग नहीं होगा, राज भरत को ही दिया जाएगा। और मेरा दूसरा वर? वो भी मांग लो। तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। मंत्रीवर, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ युवराज। तो शीघ्र चलिए। उधर नहीं, इस ओर। इस ओर?
हाँ पधारिए पधारिए।